सो टुडेज टॉपिक इज अल्टरनेरिया। ये एक प्लांट पैथोजन है। इट इज़ इन्फेक्टेड लीफ ऑफ पोटैटो। पोटैटो के लीफ पर ये पैथोजन पाए जाते हैं। इट इज़ इंक्लूडेड इन ड्यूटेरोमाइकोटिना। दिस इज़ अ फंगी विद ओनली असेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्परफेक्ट स्टेजेस में होता है ये। तो इस अल्टरनेरिया में प्रेजेंट है 600 जेनेरा एंड 2000 स्पीशीज़, मतलब 2000 स्पीशीज़। इनका किंगडम माइकोटा है, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास हेमोमाइसिट्स, ऑर्डर मोनोनिल्स, फैमिली डिमेटेशिया। अभी देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था ई लगता है फैमिली में, ऑर्डर में ये ऑर्डर जीनस फैमिली। ये ज़्यादातर आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न करके रखना है। अल्टरनेरिया कैसे होते हैं? अल्टरनेरिया सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होते हैं। दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी जाओ आपको दिख सकते हैं, ये इनकी कमी नहीं है कहीं पर। फिर इसमें से कुछ पैथोजेनिक स्पेसिस कौन से हैं? ये चार ऐसे पैथोजेनिक स्पेसिस हैं जो अल्टरनेरिया में इंक्लूड होते हैं, जिनमें से जो अल्टरनेरिया सेरेनिकोसिस अर्ली ब्लाइट पोटैटो, इसके जो सिम्टम्स है वो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है वो क्या कॉज करते हैं। फिर जो टेन्यूसिस है तो वो ब्लैक पॉइंट डिजीज ऑफ वीट है, वीट के प्लांट में ये होता है। फिर ये जो हम लोगों ने ये मेन स्ट्रीम थी, अभी इसके जो स्पेशीज है वो भी इन्फेक्ट करते हैं, कुछ पोटैटो पे करते हैं, कुछ वीट पे करते हैं, कुछ मस्टर्ड या फिर कॉलीफ्लावर पे करते हैं। तो ये जो स्पेशीज है वो रिस्पेक्टिवली इनके रिस्पेक्टिव प्लांट्स पे एक्ट अफेक्ट करते हैं। सो इसका जो डिजीज़ है ये जब इन्फेक्ट करेगा, पैथोजन जब एंटर करेगा, तो ये कब डिसीज़ हमें पता चलेगा कि ये डिसीज़ हुआ है? तो ये 3 to 4 वीक जब प्लांट ग्रो हो जाता है, उस प्लांट के 3 to 4 वीक में ये हमें दिखने लगता है। ठीक है, मतलब 3.4 वीक का जो प्लांट है उनमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑन लीव्स स्मॉल येलोइश और ब्राउनिश, थोड़े स्पॉट्स, सेंटर रिंग्स दिखाई देते हैं। माइसिलियम जो होता है वो इनका ब्रांच सेपरेट एंड ब्राउन होता है, जो इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। ये इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। फिर असेक्सुअल में ये जो कोनिडिया फॉर्मेशन है डेवलप सिंगली और इन चेन, ये जो इनके जो कोनिडिया है, एक तो सिंगल सिंगल ऐसे फॉर्म होते हैं या फिर ऐसे चेन में फॉर्म होते हैं। टिप ऑफ द ब्रांच और अनब्रांच्ड कोनिडिया फॉर कम आउट थ्रू द स्टोमेटा। फिर ग्रो कैसे हो रहे हैं? ये असेक्सुअल थ्रू कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है। कोनिडिया फॉर्म कैसे हो रहे हैं? ब्रांच पे या फिर चेन में है, नहीं तो फिर सिंगल फॉर्मेशन है। सिंगल फॉर्मेशन है तो फिर वो जब अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो उनकी डेवलपमेंट कहाँ होती है, वो कैसे बाहर निकलते हैं? स्टोमेटा थ्रू बाहर निकलते हैं। और ये जो पार्ट था ये था उसके रिप्रोडक्शन का, और हमने माइसिलियम तक जो पढ़े वो उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जाएगा। फिर देखते हैं कोनिडिया कैसा होता है। अल्टरनेरिया का कोनिडिया मतलब उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड कोनिडी से होता है। तो कोनिडिया एक्चुअल में कैसा है? वो मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड है, यूनिफॉर्म है, ट्रांसवर्स है, इलॉन्गेटेड है, और इलॉन्गेटेड मतलब लॉन्जिट्यूडिनल सेप्टा है उसको। इन इच कोनिडियम 5 to 10 सेप्टा आर प्रेजेंट। सेप्टा मतलब वो जो सेक्शन हम देखते हैं ना, तो एक कोनिडियम में 5 to 10 सेप्टा होते हैं। कोनिडियम के साइज 30 to 130 माइक्रोन होती है लेंथ में, और ब्रेथ में 12 to 30 होती है। और ये जो इनका जो ये जो मेजरमेंट है वो आउटर लेयर, जो पिगमेंटेड आउटर लेयर होती है उसके बारे में, कोनिडियम की आउटर लेयर पिगमेंटेड होती है, जिसका मेजरमेंट यहाँ पर दिया है। कोनिडिया जब जर्मिनेशन होता है, कोनिडिया के जो जर्मिनेशन होता है वो ह्यूमिड कंडीशन में होता है। ये ह्यूमिड कंडीशन से उसके लिए फेवरेबल होती है टू ग्रो टू रिप्रोड्यूस। ओके, प्रोड्यूस 5 to 10 जर्म ट्यूब। हम कोई भी प्रोसेस में देखेंगे असेक्सुअल में जब कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, जो मैच्योर हो जाता है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है होस्ट के ऊपर, जिससे वो अटैच हो जाता है और नया कोनिडिया फॉर्म मतलब नया रिप्रोड्यूसिंग बॉडी फॉर्म होती है। तो इन केस में अल्टरनेरिया के केस में जो कोनिडिया है वो ह्यूमिड कंडीशन में फॉर्म होगा, जो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन रहेंगी, और उसमें वो 5 to 10 जर्म ट्यूब फॉर्म करेगा। अभी एक बार टेलुक में से हम लोग बढ़ लेते हैं। सो ड्यूटेरोमाइकोटिना अल्टरनेरिया, द सब डिविजन ड्यूटेरोमाइकोटिना इंक्लूड्स दोज फंगी इन विच ओनली असेक्सुअल और इम्परफेक्ट स्टेजेस आर नोन एंड सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड। दिस सब डिविजन इंक्लूड्स अबाउट 600 जेनेरा एंड 20,000 स्पेशीज। ठीक है, यहाँ पर 20,000 चाहिए था, 10 खाली है। ओके, तो हम लोगों ने पहले इंट्रो में पढ़ लिया है। ड्यूटेरोमाइकोटिना में क्या होता है? असेक्सुअली इंक्लूडेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है क्या? नहीं होता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखिए, द मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक स्पेशीज कॉजेज अर्ली ब्लाइट एंड टिक्का डिजीज इन प्लांट। द माइसिलियम इज वेल डेवलप्ड एंड प्रोफाउंडली ब्रांच्ड विद परफोरेटेड सेप्टा। द हाइफा मे बी इंटर और इंट्रासेलुलर इन सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड।
सेल कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लियेटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। अभी नोट्स में हम लोगों ने देखा कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, तो कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स विच डेवलप एक्सोजेनियसली ऑन कोनिडियोफोर्स, बाहरी तरीके से फॉर्म होते हैं। द कोनिडियोफोर्स आर आइदर फ्री और फॉर्म इन सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लूटिंग बॉडीज सच एज सिनेमेटा, एसरब्यूली, स्पोरडोचिया और इक्निडिया। उसके प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, एक बार गूगल कर लो, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैं शॉर्ट्स में एक बार ही आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियरिफाई कर दूँगी। सो मेम्बर्स शो पैरासेक्सुअलिटी इस, ओके अभी मेरा काम क्या था, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करी हो और एक बार ये रीड करके दिखाई कि आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हम लोगों ने स्पेशल भी देखी थी, तो ये सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स में अवेलेबल है। आपको एक ही काम करना है, एक बार रीड करना है, टेक्स्ट बुक एक बार रीड करनी है, एक बार ही रीड करो, एक तो बार ही ओवरव्यू हो जाएगा, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अपने आप लर्न होने लगेंगी। समझाने के लिए मैं तो फिर ही देखते रहो और याद करने की कोशिश करो, और कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे कहना, ओके। हम लोग ने अभी पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बार रिप्रोडक्शन का पार्ट भी पढ़ लेते हैं, जहाँ पर आपको मैं छोटे छोटे वर्ड्स का भी क्लेरिफिकेशन इम्प्लॉय दे दूँगी। सेक्सुअल स्टेजेस आर नॉट नोन इन अल्टरनेरिया एंड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एक्सोजेनियसली फॉर्म्ड कोनिडिया। बाहरी ऐसे फॉर्म होते हैं, द कोनिडिया आर प्रोड्यूस सिंगली और चेन एट द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस और अनब्रांच कोनिडिया फोर। एक तो ब्रांच्ड होंगे, नहीं तो अनब्रांच्ड होंगे, उनके टिप पर ये फॉर्म होते हैं। द कोनिडियो फोर्स आर यूनिट डिफ्रेंशिएटेड एंड इमर्ज थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द इन्फेक्टेड लीफ। द डार्क कलर्ड कोनिडिया आर मल्टी सेल्यूलर एंड ऑक्लेवेटेड। इसका मतलब है थीकर एट द बेस, कैसे होता है थीकर एट द बेस। ओवॉइड और म्यूरिफॉर्म, मतलब माउस, देख चूहे को तो देखा ही होगा अपने, चूहे का शेप कैसा होता है, तो वो चूहे के शेप जैसा दिखता है। दे आर बोथ ट्रांसवर्सली एंड लॉन्जिट्यूडनली सेक्टेड, दिस आर अबाउट 5 to 10 सेक्टर। अभी है लोग, अभी मैंने तो आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ये समझ जाने चाहिए इसलिए बताया, बाकी हम लोगों ने तो ये नोट्स में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए है। आज मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि क्विक आई एम गिविंग अ क्विक समरी। लेसन सिखाने के लिए आपके पास तो कॉलेज है, तुम्हारे ट्यूशन है, टीचर्स है, बट वॉट यू नीड इज़ अ रिविजन, जो कोई नहीं देता, जो खुद से करनी पड़ती है और जो खुद से हो नहीं पाती, जो मैं आपके करा के दे रही हूँ। ओके, थैंक यू।